गर्मियों में बनाएं घर पर आइसक्रीम, वो भी क्रीमी और टेस्टी, क्योंकि इसमें ना तो कोई केमिकल है ना ही कोई प्रिजर्वेटिव है। और इसमें डालेंगे हम एक स्पेशल इंग्रेडिएंट, वो कैसे और कब डालना है इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ चॉकलेट आइसक्रीम। इसमें ना तो मैं कंडेंस्ड मिल्क डालूंगी, ना मैं कॉर्नफ्लोर डालूंगी, ना ही कोई क्रीम डालूंगी। मैं इसमें एक स्पेशल इंग्रेडिएंट डालूंगी, वो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। आइसक्रीम बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। सबसे पहले लेंगे 1 लीटर फुल क्रीम दूध, 1/4 कप शुगर, 1/2 कप मिल्क पाउडर, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, और चाहें तो ये 10 रुपये के जो ये पाउच आते हैं ये भी आप 2 पाउच ले सकते हैं, 10 से 12 काजू और वनीला एसेंस, ये आपको किसी भी सुपरमार्केट में इजीली मिल जाएगी। सबसे पहले हम लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जिससे कि दूध जलेगा नहीं। अब हम इसमें डाल देंगे 1 लीटर फुल फैट मिल्क, हमें टोन्ड मिल्क नहीं लेना, हमें फुल क्रीम दूध ही लेना है, क्योंकि हम कोई क्रीम भी यूज़ नहीं कर रहे, तो जो इसकी मलाई है उसी से हमारी आइसक्रीम क्रीमी बनेगी। जब इसमें अच्छे से उबाला आ जाए तो इसे आप करछी से घुमाते रहें और साइडों से जो ये इसकी मलाई है वो उतार कर इसी में डालते रहें। 10 से 15 मिनट के बाद ये देखिए दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है हमारा, इसे स्लो फ्लेम पर हमें इसी तरह से पकने देना है और बीच बीच में हिलाते रहना है। अब हम एक बोल में 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और 3 से 4 चम्मच नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध डालेंगे, और इसे हम अच्छे से घोल लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। मिल्क पाउडर को पानी या दूध में घोल कर ही डालेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही नहीं डाल देंगे। अब ये जो हमने मिल्क पाउडर का घोल बनाया है ये हम इसमें डाल देंगे और इसे हम चलाते रहेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। 1/4 कप हम चीनी डालेंगे इसमें, मैंने थोड़ी सी कम डाली क्योंकि मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। इसे हम चलाते रहेंगे और जो मैंने काजू लिए थे 10 से 12 वो हम इसमें काट के डाल देंगे। 2 ड्रॉप हम इसमें वनीला एसेंस भी डाल देंगे ताकि इसमें जो ये दूध और मलाई की खुशबू है वो ना आए, एक अलग सी अच्छी सी खुशबू है वनीला एसेंस की। ये देखिए मिक्सचर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसे पकाने में 25 से 27 मिनट पूरे लगे होंगे और ये मिक्सचर एकदम रेडी है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए ठंडा हो गया मिक्सचर, कितना अच्छा गाढ़ा और क्रीमी हो गया है, जबकि इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला, कंडेंस्ड मिल्क नहीं डाला हमने, और ना ही कोई खोया डाला है। अब एक हैंड ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे ब्लेंड कर लेंगे, लेकिन जब ब्लेंड करेंगे तो ये ध्यान रखिए कि मिक्सचर बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा क्रीमी सा मिक्सचर रेडी है, ये हमारा आइसक्रीम का बेस है। अब हम इसमें कोई भी फ्लेवर आइसक्रीम रेडी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें केसर और पिस्ता डाल देंगे तो केसर पिस्ता आइसक्रीम बन जाएगी, और अगर आप इसे ऐसे ही जमा देंगे तो ये रबड़ी कुल्फ़ी बन जाएगी। लेकिन मैंने इसमें डाली है एक पेस्ट्री, इसे चॉकलेट फ्लेवर देने के लिए। मैंने चॉकलेट फ्लेवर की पेस्ट्री ली है, आप मैंगो, स्ट्रॉबेरी, कोई भी फ्लेवर की पेस्ट्री ले सकते हैं। इसे तोड़कर हम इसमें डाल देंगे, ये देखिए इस तरीके से, और एक चम्मच की हेल्प से हम पहले इसे मिक्स करेंगे, ये देखिए, और फिर से हम एक हैंड ब्लेंडर लेंगे और इसे ब्लेंड कर देंगे। ये देखिए हमारा चॉकलेट आइसक्रीम का जो मिक्सचर है वो रेडी है, ये देखिए कितना क्रीमी बना है। अब हम लेंगे पेपर कप्स, आप चाहें तो घर के कांच के कप या कोई भी मोल्ड ले सकते हैं, लेकिन पेपर कप इजी रहता है क्योंकि इसे निकालना बहुत इजी हो जाता है। इसमें हम ये मिक्सचर डाल देंगे, ये सारे कप ऐसे ही फिल कर लेंगे और एक फॉइल की हेल्प से हम इसे कवर कर देंगे ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स ना बने और ये क्रीमी बने अच्छे से। आइसक्रीम अच्छे से पैक कर देंगे ऊपर से इसको, और एक नाइफ़ की हेल्प से हम इसमें छोटा सा कट डाल देंगे और हम इसमें आइसक्रीम स्टिक लगा देंगे। मैंने 2 में लगाई है और 2 को मैं कप की तरह ही सर्व करूँगी। 8 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए आइसक्रीम अच्छे से जम गई है। अब हम इसे डीमोल्ड कर देंगे
पेपर कप को टियर करके हम इसे निकाल लेंगे, इसलिए पेपर कप को डीमोल्ड करना सबसे ईजी होता है। ये देखिए आइसक्रीम हमारी एकदम रेडी हो गई है। इसे हम चॉकलेट और चॉकलेट सिरप से गार्निश करेंगे, चाहे तो आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।